अ वेरी गुड मॉर्निंग टू मी ऑल 10th क्लास स्टूडेंट्स. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, मैडम राइड्स द बस, पार्ट नंबर 2. हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि जो वल्ली है उसके मन में एक डिज़ायर उठती है कि वो बस से ट्रेवल करेगी जो उसके गाँव में से होकर जाती थी. तो आगे पढ़ते हैं. वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज एंड टर्निंग इन टू द मेन हाईवे वेन अ स्मॉल वॉइस वॉज हर्ड शाउटिंग स्टॉप द बस, स्टॉप द बस. अब बसंत का दिन था, बसंत ऋतु के दिन थे. दोपहर के समय बस जो थी वो गाँव को छोड़ने के लिए निकलने ही वाली थी. मेन हाईवे पर मुड़ने लगी थी तभी उसे एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, चिल्लाती हुई, मतलब स्मॉल वॉइस, पता लग रहा था कि किसी छोटे बच्चे की ही आवाज़ है, और चिल्लाती हुई स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, मतलब कि जो गर्ल है वो अपने कमांड दे रही है कि बस को रोका जाए. बस धीरे हुई, रेंगने लगी बस, और कंडक्टर ने क्या किया, अपना सिर बाहर निकाल कर देखा और कहा, जल्दी आओ, जो भी आना चाहता है फटाफट तेज आओ. इट्स मी, शाउटेड वल्ली. वल्ली ने चिल्लाया, ये मैं हूँ, मैं ही हूँ जो बस में चढ़ना चाहती हूँ. अब जो कंडक्टर था उसे बस रोकी उन्होंने अच्छे से और कहा, अच्छा तो तुम आना चाहती हो इसमें. यस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, मुझे टाउन में जाना है, वल्ली ने कहा, और वो बस के बाहर ही खड़ी रही. हेयर इज़ माई मनी, और ये देखो मेरे पास पैसे भी हैं. उसने कुछ कॉइन्स दिखाए कंडक्टर को. कंडक्टर ने क्या जवाब दिया, चलो ठीक है पहले बस के अंदर आ तो जाओ. तो कंडक्टर आया तो उसने अपने स्ट्रेच आउट अ हैंड टू हेल्प हर, मतलब हाथ बढ़ाया ताकि वो ऊपर आ जाए लड़की, आराम से बस में चढ़ सके. नेवर माइंड शी सेड, आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी. तो ये जो वल्ली है गर्ल, ये क्या कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप बस में आ जाऊँगी. कंडक्टर जो था वो बहुत ही मजाक किया था, उसे मजाक करना बहुत पसंद था. तो वो कहता है कि ओ मैम प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होइए, आइए यहाँ पर, आपकी सीट बिल्कुल यहाँ पर है. एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, हर कोई थोड़ा रास्ता दे दो मैडम के लिए. ये जो टाइम था, जिस समय दोपहर का समय था जब वल्ली बस में चढ़ी, 1 बजे का समय जो था, तो यहाँ पर जो ये स्लैक टाइम था, स्लैक टाइम वो होता है जब काम जो है वो थोड़ा ढीला पड़ जाता है. मतलब एक तो वो टाइम होता है कि जब रश होता है दुकान पर, और एक वो समय होता है जब दुकान पर बहुत भीड़ नहीं होती है, स्लैक टाइम. तो इस वक्त बस के अंदर 6 या 7 पैसेंजर ही थे, और वो वल्ली की तरफ देख रहे थे और कंडक्टर को भी देख रहे थे और हंस भी रहे थे. वल्ली जो थी उसको शर्म आ गई, उसने अपनी आंखें नीचे की और जल्दी से खाली सीट की तरफ दौड़ी और बैठ गई. आप देख रहे हैं ये कंडक्टर है और ये छोटी सी गुड़िया वल्ली, बाकी के लोग जो हैं को पैसेंजर्स वो हंस रहे हैं. मे वी स्टार्ट नाउ, अब हम स्टार्ट करें मैम, कंडक्टर ने हंसते हुए कहा. उसने अपनी विसल 2 बार बजाई और बस जो थी वो एकदम स्टार्ट होती है तो गरजती है ना, थोड़ी आवाज़ करती है, तो स्टार्ट होकर चली गई. ये एक बिल्कुल नई बस थी, इसका बाहर से जो पेंट कर रखा था वाइट कलर का पेंट था, जिसके अंदर ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स थी, और अंदर की तरफ जो इसके डंडे लगे हुए थे, जो ओवरहेड बार्स थे, वो चांदी की तरह चमक रहे थे. और वल्ली के बिल्कुल सामने क्या थी, विंडशील्ड. विंडशील्ड क्या होता है, जैसे हम कार में या बस में बैठते हैं तो सामने का जो शीशा होता है वो विंडशील्ड, और उस विंडशील्ड के ऊपर क्या लगी हुई थी, एक बहुत ही सुंदर घड़ी लगी हुई थी. जितनी भी जो सीटें थी बहुत ही सॉफ्ट और आरामदायक थी. वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, वल्ली ने क्या किया, बहुत ही तेज़ी से अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया, मतलब अपनी आंखें सब जगह घुमाकर सब कुछ नोटिस कर लिया. पर जैसे ही वो बाहर देखने लगी, उसे लगा कि उसको कोई जो नज़ारा है वो बाधित हो रहा है. मतलब आपने देखा होगा कि जो खिड़कियों के शीशे होते हैं वहाँ पर क्या होता है, कवर्ड हो रखे होते हैं ना, वो काले शीशे होते हैं, या कह लो कि ब्लैक फिल्म लगा दी जाती है ताकि नज़र ना आए, शेडेड रहे. तो उस लड़की को नज़र नहीं आ रहा था बाहर का नज़ारा, तो उस वो अपनी सीट से उठी और बाहर की ओर झांकने लगी उस ब्लाइंड के ऊपर से. तो जो बस थी अब वो कभी नाले के किनारे से जा रही है, सड़क बहुत चौड़ी थी, तंग थी. एक तरफ जो था कैनाल था, नाला था, और दूसरी तरफ पाम के ट्रीज लगे हुए थे, घास के मैदान, पहाड़ नज़र आ रहे थे, नीला आसमान भी नज़र आ रहा था. दूसरी तरफ एक खाई थी, कई दूर दूर तक हरे खेत थे, हरे हरे और बिल्कुल हरे, जितनी दूर तक वो देख सकती थी. वाओ कितना वंडरफुल नज़ारा है. तभी वो एकदम से स्टार्टल हो गई, चौंक गई, किसी ने आवाज़ लगाई,
देखो बच्चे, तुम्हें ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए, नीचे बैठ जाओ। ऐसा किसी ने इस आवाज़ से वो चौंक गई, नीचे बैठ जाओ। उसने देखा कि कौन बोल रहा है, तो ये एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति थे जो कि बहुत ही उसके प्रति कंसर्न दिखा रहे थे कि नहीं तो चोट लग जाएगी। बट उसने उनकी इस बात को नाराज हो दिया और उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। देयर इज़ नोबडी हियर हु इज़ अ चाइल्ड, यहाँ कोई भी नहीं है किसका बच्चा है ये। तो उसने हॉटली कहा, आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरी वन एल्स। वो क्या कहती है, मतलब कि उसे घमंड हो रहा है कि मैंने खूब पैसे दिए हैं, मैं देखूंगी सब कुछ। तो वो क्या कह रही है कि मैंने भी आपकी तरह पैसे दिए हैं और मैं तो देखूंगी देखूंगी, आप मुझे रोक नहीं सकते। कंडक्टर ने भी हाँ में हाँ मिलाई, चिम्ड इन। ओ सर, ये बहुत ही अच्छी और मैम है, आप इनके जैसी लड़की, इनकी उम्र की लड़की क्या कोई अपना किराया खुद भर के शहर में अकेली जा सकती है? वल्ली ने गुस्से से देखा कंडक्टर की ओर, कहा कि मैं मैडम नहीं हूँ, याद रखो, और तुमने मुझे अभी तक मेरी टिकट भी नहीं दी है। तो कंडक्टर कहता, हाँ मुझे याद है, उसी की आवाज़ में दोहराता हुआ। हर कोई हंसता है और धीरे धीरे वल्ली भी हंसना शुरू कर देती है। कंडक्टर जो है वो टिकट को पंच करता है और फिर उसको दे देता है। फिर कहता है कि आराम से बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ, तुम्हें खड़े क्यों होना पड़ता है? क्योंकि तुमने तो सीट के पैसे दिए, फिर खड़े होकर क्यों जा रही हो, बैठ कर जाओ। तो वो क्या कहती है कि मुझे देखना है मुझे, वो फिर से खड़े हो जाती है। फिर अब कंडक्टर क्या कह रहा है, अगर तुम ऐसे खड़ी रहोगी तो तुम्हारा सिर जो है वो नीचे गिर जाएगा, तुम्हें चोट लग जाएगी, बस जब भी शार्प टर्न लेगी तो तुम्हें टक्कर लगेगी, और इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ। बच्चे, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैंने तुम्हें कहा ना मैं 8 साल की एक लड़की हूँ, मुझे तंग मत करो। तो वो कहता है, हाँ मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ कि तुम तो एक गर्ल हो। बस रुकती है, नए यात्री उसमें आते हैं, कंडक्टर बिजी हो जाता है और अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वल्ली फाइनली सेट डाउन। और वल्ली को डर है कि कोई उसकी सीट पर बैठ ही ना जाए, क्योंकि वो खड़े होकर बाहर का नज़ारा देख रही थी, तो उसे डर था कि अब नए यात्री चढ़े और उसकी सीट को पर कोई चढ़ ना जाए। वल्ली बैठ जाती है, एक बुजुर्ग सी औरत आती है जो उसके पास